हाँ जी सर, चलो सेबी एलओडी यार रिवाइज करेंगे आराम से, कोई अपने को ट्रेन नहीं पकड़नी है, आराम से रिवाइज करेंगे। और ये मैं तुमको नहीं है, मैं अपने आप को बोलता हूँ भाई, कहीं नहीं जाना है अपने को, कोई ट्रेन नहीं है, आराम से रिवाइज करेंगे। सुनो मेरी बात, सुनो सर सुनो, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, छोटे 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 अमेंडमेंट हैं जो अभी ज्वाइन किए उनको बता देता हूँ। भाइयों सुनो, छोटे छोटे अमेंडमेंट हैं, मैं जो आपके सामने शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, वो शीट में मैंने ना थोड़ा सा अमेंडेड फाइल डाला है, तो आपके पास जो नोट्स है ना वो पूरा अपडेटेड है, आई प्रॉमिस अपडेटेड है। आपके नोट्स के बाहर अगर May 22 लिखा है ना, तो वो पूरा अपडेटेड नोट्स है। ये मैंने बाद में चेंजेस किए हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, छोटे छोटे चेंजेस, तो प्लीज उसको नोट कर लेना अगर आपने नोट नहीं किया है, पर टेंशन मत लेना, मेरी बात सुनो। सेबी एलओडीआर क्यों सर नोट नहीं किया? आरटीपी में ना बहुत सारे अमेंडमेंट आ रखे हैं सेबी एलओडीआर के। अब सेबी एलओडीआर के मैंने सारे चेंजेस खुद से डाले नहीं थे, क्योंकि मेरे को लगा था इससे भी 10 गुना ज्यादा चेंजेस हुए एलओडीआर में, पर सारे चेंजेस इंस्टीट्यूट ने डाला नहीं था, तो मेरे को जो लगा था वो डाल देगा, वो मैंने डाल दिया, पर कुछ चीजें और भी उन्होंने डाली है सर, तो मेरे साथ ध्यान बनाए रखो। और देखो सर क्या है सर, सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी, किसको किसको एप्लीकेबल है ये जो सेबी एलओडीआर का प्रोविजन है, ये उन लिस्टेड एंटिटीज को एप्लीकेबल है जिनके डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड होते हैं। सिर्फ इक्विटी नहीं सर, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज कहां पे लिस्टेड होते हैं सर? या तो वो मेन बोर्ड में, या एसएमई एक्सचेंज में, या फिर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड होने चाहिए, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड होने चाहिए। उसके बाद सर यहां पे आपके नोट्स पे जो एडिशनल पॉइंट है उसको काट दो। सेकेंड पॉइंट अब सिर्फ इतना है सर, अगर आपने कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्ट करवा रखा है तो उसको भी क्या करो, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को भी आप क्या करो, उसको वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स या सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी रिसीट्स या फिर सर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स या कोई भी अदर सिक्योरिटी जो हम प्रिस्क्राइब करें वो अगर आपने लिस्ट करवा रखा है तो आपको लिस्टेड एंटिटी माना जाएगा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अब सुनो, अगर आपको हम बोल रहे हैं कि एक जो प्रोविजन है किसी कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एप्लीकेबल होगा या फिर सर आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के बेसिस पे एप्लीकेबल होगा, या तो आपका मार्केट कैप देखेंगे या कितना डेट सिक्योरिटीज है वो देखेंगे, अगर उसके बेसिस पे अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं ना, तो सर ये जो प्रोविजन है एक बार एप्लीकेबल हो जाएगा तो इट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। मतलब एक बार मार्केट कैप ब्रीच कर गया, एप्लीकेबल हो गया, तो आगे वो एप्लीकेबल रहेगा, रिवर्स नहीं होगा। रेगुलेशन 17 बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। अदिति आई नहीं कि अदिति के साथ ये शुरू हो गए, अभी तक कुछ नहीं था, अभी उसको सुनो मेरे दोस्तों सुनो, बहुत ही स्लो जा रहे हैं, इससे स्लो रिवीजन नहीं होता। एग्जाम के पहले आपको 40 मिनट एलओडीआर के लिए मिलेगा, मेरी बात सुनो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी है। पहला, ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कितना हम बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अगले लाइन में बोलेंगे, अभी हम बोल रहे हैं ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन होना चाहिए। फिर हमने बोला बताया ना ऑप्टिमम कंपोजिशन क्या होता है, तो कहता है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, ये 50% से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 50% या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब सर अगर आपकी कंपनी में टोटल 6 डायरेक्टर है ना, तो कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और एक वेमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, वो तो हमको पता है। लेकिन सर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होना चाहिए वो खेल है। सर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना डिपेंड करता है आपके बोर्ड में चेयरपर्सन कौन है। अगर जो बोर्ड में चेयरपर्सन बैठा है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आपको 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा, एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। लेकिन सर अगर जो बोर्ड में बंदा बैठा है वो अगर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, मतलब सर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर नहीं है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है पर वो एंटिटी का प्रमोटर है या रिलेटेड पार्टी टू द एंटिटी, रिलेटेड टू द प्रमोटर ऑफ द एंटिटी है, मतलब सर वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, तो इन दैट केस आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हाफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सर 1/3 या 1/2, 1/3 या 1/2, एटलीस्ट 1/3 और एटलीस्ट हाफ। अब सर अगर एक चेयरपर्सन रेगुलर एनईडी है या फिर रेगुलर, तो या तो रेगुलर एनईडी नहीं है या फिर रेगुलर एनईडी तो है लेकिन प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द बोर्ड। सर रिलेटेड टू द प्रमोटर मतलब क्या होता है, अगर प्रमोटर एक कंपनी है, जैसे जियो का प्रमोटर अगर रिलायंस है, तो रिलेटेड टू द प्रमोटर मतलब क्या, रिलायंस के जो डायरेक्टर्स होते हैं, नॉमिनीज होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको माना जाएगा रिलेटेड टू द प्रमोटर। लेकिन सर अगर जो प्रमोटर है वो लिस्टेड एंटिटी है, तो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिलेटेड नहीं माना जाएगा, उसके अलावा बाकी सब लिस्टेड रिलेटेड माना जाएगा।
अब जो रिलेटेड जिनको माना जाएगा, अब वो बोर्ड में अगर चेयरपर्सन बन के बैठे हैं तो आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। सर फिर से एक बार बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन की जगह पर बैठा है तो 1/3 में काम चल जाएगा। लेकिन सर आप सिंपल नॉलेज के लिए समझो, अगर चेयरपर्सन में कोई रिलेटेड बंदा बैठा है, मतलब क्या, या तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, या फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो कंपनी का प्रमोटर है, या फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का प्रमोटर नहीं है लेकिन प्रमोटर से रिलेटेड है, तो सर मतलब कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाला वो पोजीशन में बैठा है। तो आधे से ज्यादा अपने को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टॉप 2000 कंपनीज को कम से कम 6 डायरेक्टर लगेंगे सर, टॉप 2000 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कब का देखोगे सर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट का। और टॉप 1000 कंपनीज को कितना लगेगा सर, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर लगेगा, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। कोई पूछे ना इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लगता है क्या, तो ना मत बोलना मेरे क्लास वाले लिस्टेड कंपनी को लगता है, हाँ बोल देना। सर एज क्या होगी, इन्होंने बोला सारे डायरेक्टर्स का मिनिमम एज 21 ईयर्स होगा, और जो मैक्सिमम एज है ना भाई, मैक्सिमम एज जो है ना यहां पे इन्होंने सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मैक्सिमम एज 75 ईयर्स होगा। सर कंपनीज एक्ट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, यहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए इन्होंने बोला मैक्सिमम 75। अगर 75 से ज्यादा अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर क्या मस्त क्वेश्चन बनेगा, सोचो क्या मस्त क्वेश्चन बनेगा, अ लिस्टेड कंपनी वॉन्ट्स टू अपॉइंट मिस्टर प्रिंस एज द डायरेक्टर। मिस्टर प्रिंस इज An age of 90 is a 19 year old guy and does not have a DIN. Can he become a director? Now you will write what? You will write, अरे minor DIN नहीं ले सकता, major DIN ले सकता है, 18 के ऊपर है, DIN ले लेगा, DIN लेकर के director बन जाएगा। कि 21 years का age कहाँ है? सर 21 ईयर्स का एज तो एग्जीक्यूटिव के लिए था, डायरेक्टर के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। पर सर लिस्टेड कंपनी बोलता है डायरेक्टर का मिनिमम एज 21 चाहिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी एलओडीआर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर बोर्ड, अब सर सुनो, 75 से ज्यादा अगर आपको अपॉइंट करना है तो एसआर पास कर लो। बोर्ड मीटिंग सर सिमिलर टू व्हाट वाज देयर हियर विद लिटिल चेंजेस, 4 बोर्ड मीटिंग साल में करने पड़ेंगे, मैक्सिमम गैप 120 डेज का हो सकता है। बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। 3 डायरेक्टर्स सर, 2 नहीं 3 डायरेक्टर्स क्या, और उसमें सर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आ रहा है बोर्ड मीटिंग में, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है। और सर अगर आप ऑडियो विजुअल मीन से पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसको कोरम में इंक्लूड करेंगे। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, सर आप जो भी आपके कंप्लायंस रिपोर्ट बन रहे हैं कंपनी का उसको रिव्यू करो, उसमें अगर कोई क्वालिफिकेशन है या कोई नॉन कंप्लायंस है तो उसको एड्रेस करो। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 चीजें इवैल्यूएट करनी होती है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, कौन सी 2 चीजें, पहला तो उनका परफॉर्मेंस, दूसरा उनका इंडिपेंडेंस। कौन इवैल्यूएट करेगा सर, जिनका इवैल्यूएशन हो रहा है उसके अलावा बाकी सारे बोर्ड मेंबर मिलकर जज करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे उसका परफॉर्मेंस और उसका इंडिपेंडेंस। रेगुलेशन 17A सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एप्लीकेबल ओनली टू डायरेक्टरशिप ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर आप कितने कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकते हो, तो मैंने बोला देखो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी मिला लो और आप एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो, मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में क्या हो सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हो। और अगर आप किसी एक भी लिस्टेड एंटिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर बन गए हो ना, मतलब पूरा समय अगर आपने एक को दे दिया है ना, तो उसके बाद मैक्सिमम 3 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम अगर एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया तो मैक्सिमम 3, तो सर 7, 7 और 3। 7 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन लिस्टेड कंपनी, 7 क्या है, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप, और 3 क्या है सर, अगर आप एक कंपनी में होल टाइम हो गए तो 3 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। सर यहां पे लिस्टेड एंटिटी का मतलब सिर्फ वो एंटिटी लेंगे जिसके इक्विटी लिस्टेड है, अगर आपने कोई नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या कोई सिक्योरिटी रिसीट्स लिस्ट करवाया है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। रेगुलेशन 18 सर, ऑडिट कमिटी फॉर्म होगा, क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी बनेगा, ठीक है सर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, मेरी बात सुनो सर, लिस्टेड आपकी जो सब्सिडरी होती है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी, इमटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। मटीरियल को जो है ना टोटल 7 पॉइंट है भाई, 7th पॉइंट छोड़ दो, 6 पॉइंट बच रहे। मटीरियल जो सब्सिडरी है ना उसको 6 के 6 पॉइंट एप्लीकेबल होंगे, लेकिन सर जो इमटीरियल सब्सिडरी है ना उनको 3 पॉइंट एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले सर ये देखते हैं कि जो मटीरियल सब्सिडरी है उनको 3 एडिशनल पॉइंट क्या एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला सर, आपकी कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में जाके क्या बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। हमने इंडिपेंडेंट नहीं बोला, हमने बोला हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाके सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा।
दूसरा, अगर आप उस कंपनी का असे अगर आप शेयर्स बेच रहे हो जिसके वजह से आपकी शेयर होल्डिंग 50% या उससे कम हो रही है, 50% या उससे कम हो रही है, या फिर आप कंट्रोल लूज कर रहे हो ना, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन सर दो केस में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना होता है, दो केस में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना होता है, अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, या फिर अगर किसी रेजोल्यूशन प्लान के तहत आप क्या कर रहे हो, आप शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। लेकिन इन दोनों केस में एक और कंडीशन आपको करना पड़ेगा, आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इमीडिएटली नेक्स्ट डे मतलब अगले एक दिन के अंदर आप इंटीमेट कर दो कि हम सिक्योरिटीज बेच रहे हैं। सर आप ये क्या बोले जा रहे हो, हम कहां पढ़ रहे हैं सर, हम सेबी एलओडीआर में घुस करके हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं अगर मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडियरी है ना उनको भी रेगुलेट करना है, तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसके बोर्ड में बैठा देना, दूसरा आप उनके शेयर्स बेचना चाहते हो तो स्पेशल अप्रूवल ले लेना, और अगर आप उनके असेट्स बेचना चाहते हो, कितने असेट्स सर, उनका टोटल असेट का 20% से ज्यादा अगर आप असेट बेचना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन ले लो। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा अगर कोर्ट ने अप्रूव किया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है या रेजोल्यूशन प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन अगर उस केस में ना आपको एक दिन के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा कि भैया हम ना ये काम कर रहे हैं। ये तीन काम सर आप मटेरियल सब्सिडरी के लिए करोगे, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। अब सर उसके अलावा जो नॉन मटेरियल सर मटेरियल सब्सिडरी मतलब क्या होता है, मटेरियल सब्सिडरी मतलब जो वो सब्सिडरी जो आपके टोटल इनकम का 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है या आपके टोटल नेटवर्थ का 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मोर देन 20% of your total income comes from that particular subsidiary or more than 20% of your net worth is net worth of that particular company. तो सर आपको ये तीन काम करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। उसके अलावा तीन नॉर्मल काम क्या है सर, नीचे से ही देख लो, ऑडिट कमिटी जो आपकी कंपनी का है वो नीचे आपके सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा, दूसरा आपकी जो सब्सिडरी का मिनट्स है ना वो आपके पेरेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिव्यू करेगा, और जितने भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है या अरेंजमेंट होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट आपको अपने होल्डिंग कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट मतलब क्या सर, आपके टोटल असेट का 10% से ज्यादा या लाइबिलिटी 10% से ज्यादा या इनकम का 10% से ज्यादा या एक्सपेंस का 10% से ज्यादा, मतलब सर 10% से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ये चीजें इंटीमेट करनी पड़ेगी। सर छह पॉइंट है। पहला छह पॉइंट मटीरियल सब्सिडरी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट मटीरियल सब्सिडरी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सर मटीरियल सब्सिडरी के लिए क्या 3 एडिशनल पॉइंट है, आपको एक बंदा वहां बिठाना पड़ेगा, आप डिस्पोज कर रहे हो अगर शेयर तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, अगर आप डिस्पोज कर रहे हो असेट्स तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। और नॉन मटेरियल सब्सिडरी के क्या केस में क्या करना पड़ेगा सर, ऑडिट कमिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके मिनट्स को रिव्यू करेगी, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट आपके पास आता रहेगा। सर रेगुलेशन 26 रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ मेंबरशिप। सर अभी हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स का रेस्ट्रिक्शन, अब हम पढ़ेंगे कितने जगह आप जाके मेंबर्स बन सकते हो। मेंबर्स मतलब क्या सर, या तो आप नॉर्मल मेंबर बन रहे हो या फिर आप चेयरपर्सन बन रहे हो, तो लॉ ने बोला आप 10 कमिटी से ज्यादा में मेंबर नहीं बन सकते और 5 कमिटी से ज्यादा में चेयरपर्सन नहीं बन सकते अक्रॉस ऑल द लिस्टेड एंटिटी इन विच इज अ डायरेक्टर। इसमें बहुत ज्यादा कैच है सर, जब हम कमिटीज काउंट कर रहे हैं ना तो सिर्फ आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कमिटीज काउंट करना, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी या फिर सच कंपनी हैविंग हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। सर ये आपको भी मैंने क्लास में नहीं लिखाया था, इसको नोट कर लो, अगर कोई हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है मतलब सर कोई ऐसी एंटिटी है जिसका हाई वैल्यू डेट लिस्टेड है तो उसका भी काउंट मत करना सर, और सेक्शन 8 कंपनीज इन लोगों की कमिटी को काउंट मत करना। और अब सर कमिटी पे आते हैं, कमिटी में भी सिर्फ 2 कमिटी काउंट करना, ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, उसके अलावा कोई कमिटी मत काउंट करना। ये जो 10 और 5 का लिमिट है ना ये सिर्फ इन सारी चीजों को फैक्टर करके आप काउंट करोगे। डायरेक्टर सर हर लिस्टेड एंटिटी को इन्फॉर्म करेगा कि मैं कहां कहां पे मेंबर हूं, कहां कहां पे चेयरपर्सन हूं। ठीक है सर, कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है, कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है वो आप रीड कर लो। अपन चलते हैं सर टाइप्स ऑफ कमिटीज में, 4 तरह के कमिटी अपने को पढ़ने, ऑडिट कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अपन सर सीधा ना सबसे पहले कंपैरिजन वाले टेबल से पढ़ेंगे और कंपैरिजन वाला टेबल होने के बाद हम वो समरी टेबल से पढ़ेंगे। सबसे पहला सर कंपैरिजन वाला टेबल, अपन ना सिर्फ अभी एलओडीआर वाला पॉइंट पढ़ेंगे, एलओडीआर वाला पॉइंट कि सर अगर एक लिस्टेड कंपनी है, अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको ऑडिट कमिटी बैठाना पड़ेगा। कौन से सर, सारे लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी बैठाना पड़ता है, ऑडिट कमिटी सारे लिस्टेड कंपनी को बैठाना पड़ता है। कितने डायरेक्टर्स होंगे सर, कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे जिसमें से 2/3 डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट होंगे। कितने सर, 2/3। कंपनीज एक्ट क्या कहता था, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होंगे, यहां पे कहते हैं सीधा 2/3 हमको इंडिपेंडेंट चाहिए और सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होंगे इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। मतलब सर ऐसा नहीं एक जना लिटरेट है, आपको सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट चाहिए, ऐसा नहीं इंग्लिश आती है, फाइनेंस समझ में आता है उनको, और सर एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंस या अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो, एक तो एक्सपर्ट बंदा चाहिए अपने को। उसके बाद सर जो
चेयरपर्सन होगा उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जो सेक्रेटरी होगी जो कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑडिट कमेटी की भी कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगी। ऑडिट कमेटी का मीटिंग कितना होगा सर? सिंपल है, ये 4 बार होगा साल में और मैक्सिमम गैप 120 दिन का होगा, तो ऑडिट कमेटी का मीटिंग भी सिंपल है। लेकिन सर कोरम में क्या है? कोरम शेल बी 2 or 1/3 विच एवर इज हायर विथ मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहते हैं 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऑडिट कमेटी तो कहते हैं सीधा 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको कम से कम चाहिए। तो 2 or 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 members विच एवर इज हायर और मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और सर ये जो कमिटी है ये अपने मीटिंग में फाइनेंस हेड को, ऑडिटर्स को, किसी को भी बुला सकती है अटेंड करने के लिए, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सर क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा होने चाहिए और आपका जो चेयरपर्सन है वो इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट होगा, सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, और सर कोरम में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको चाहिए ऑडिट कमेटी की मीटिंग के लिए। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी सर वो कमेटी जो पैसा डिसाइड करती है उसको सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएगा, उसमें भी कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 50%। क्या बोला सर मैंने? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट। अच्छा सुनो एक काम करते हैं, सुनो, अच्छा चलो नहीं कंटिन्यू करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी में कम से कम इन्होंने बोला 50% हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। भाई तुमको इतने सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ला के कहां कहां से दें हम आपको? आप सिर्फ 50%, आपको कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए और चेयरपर्सन तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। कोरम सर मतलब आप ये समझ रहे हो ना, लिस्टेड कंपनी में ही चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत एक्टिव रोल प्ले करें क्योंकि जनता का पैसा लगा हुआ है। कोरम क्या होगा सर? 1/3 or 2 members विच एवर इज हायर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी। मतलब सर चलो कोरम तो ऑडिट से मैच करता है लेकिन यहां पे 2 की जगह 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने रखा है। मीटिंग सर इन्होंने बोला साल में 1 बार करना, तुमको 1 बार से ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस वगैरह देने के लिए 1 बार मिल लो। और सर उसके अलावा पॉइंट क्या है कि भैया चेयरपर्सन जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, और सर चेयरपर्सन जो लिस्टेड कंपनी का होगा ना सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की बात कर रहे हो तो जो आपकी कंपनी का चेयरपर्सन है ना वो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में चेयरपर्सन नहीं बन सकता, वो फिर मेंबर या मेंबर बन सकता है, भले वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो वो मेंबर बन सकता है लेकिन वो चेयरपर्सन उसको नहीं बनने देंगे। मतलब सर मुकेश अंबानी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में चेयरपर्सन बन के नहीं बैठेगा, एज अ मेंबर बैठ सकता है। सर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, वो कमेटी जो बनती है कंपनीज एक्ट में अगर 1000 से ज्यादा क्या है, अगर 1000 से ज्यादा आपके शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर है, यहां पर भी सर टू लुक इन टू वेरियस एस्पेक्ट 3 डायरेक्टर होंगे, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। सर 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहां कहां लिखा है? यहां 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा है, यहां एटलीस्ट 50%, यहां 2/3 टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब आप समझो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले 2/3 बोला फिर हमने 50% कर दिया फिर अपन अब 1 डायरेक्टर पे आ गए हैं, और जो चेयरपर्सन है ना सर उसको हमने बोला कि भाई तू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और तू जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होगा, और सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिसाइड अदर मेंबर्स, मतलब सर बाकी मेंबर्स भी हो सकते हैं, और इनको भी साल में 1 बार मिलना है, साल से ज्यादा 1 बार में से ज्यादा तुमको मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप समझो सर कमिटीज का प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी आ रही है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी सर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। आपको एक चीज बता दूं, जो ये चेंजेस है ना ये ऑलरेडी मैंने यहां नीचे समरी में कर लिया था लेकिन यहां पे मैंने इंसर्ट नहीं किया था क्योंकि आई वाज नॉट श्योर इंस्टीट्यूट करेगा क्या, बट इंस्टीट्यूट ने चेंजेस इंसर्ट कर लिया है सर, तो मेरे साथ सुनते जाओ, और जो लोग के नोट्स में लिखे हुए नहीं है प्लीज इसका एक फोटो ले लो और उसको अपने नोट्स में उतार लो, एक स्टिकी नोट्स में, और वहां चिपका लो, मेरी बात सुनो। सर एप्लीकेबल टू टॉप 1000 कंपनीज, सबसे पहले ये टॉप 1000 कंपनीज को एप्लीकेबल है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी सर बहुत ज्यादा भारी कंपनी भी नहीं है लेकिन अमेंडमेंट है तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें सर कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और मेजोरिटी जो होंगे ना बोर्ड के मेंबर होंगे। अब तो ये इतने नीचे आ कि बोले भाई तू कम से कम बोर्ड के मेंबर रख लेना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़, तो 3 डायरेक्टर कम से कम होंगे, मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर होंगे, बाकी सर सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है कंपनी का। अब सर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे? यूं तो हमने बोला नॉर्मली एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन सर अगर आपके कोई एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, एसआर इक्विटी मतलब सर अगर आप किसी को सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर इशू कर रखे हो, तो इन दैट केस हमको कम से कम 2/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको चाहिए सर। जो कंपनी का चेयरपर्सन होगा ना इंडिपेंडेंट छोड़ो भाई उसको डायरेक्टर बना लेना, और बाकी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनको मेंबर बना सकते हो। इनकी मीटिंग इन्होंने बोल दिया साल में कर लेना भाई 2 बार, तुम 2 बार कर लेना बोले, तुम एसआरसी और एनआरसी को 1 बार मिलने बोल रहे हो, इनको 2 बार मिलने बोल रहे हो, ठीक है सर साल में 2 बार मिल लेंगे। कोरम क्या होगा सर? 2 members or 1/3 of the total whichever is higher, हाश यहां तक तो सेम है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर टू अटेंड। पहले वो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते थे, अब वो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर पे आ गए क्योंकि सर वैसे ही डायरेक्टर काम है। उसके बाद सर
मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स विल बी 180 डेज, क्योंकि सर साल में दो मीटिंग है तो इसलिए इन्होंने बोला मैक्सिमम गैप 180 डेज का हो सकता है। बोर्ड आपको आपका काम बताएगा और सर आप असिस्टेंस ले सकते हो अपना काम करने के लिए, ठीक है। बेसिकली इतने सारे पॉइंट्स हैं सर। अब ये नीचे कमेटी का एक बार ये देखो क्या क्या थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपको बस बता देता हूँ। नंबर ऑफ मेंबर्स तो सर लगभग सब में 3 है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए सर? ऑडिट कमेटी सबसे ज्यादा मांग रहा है 2/3। नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी एटलीस्ट 50% और कम हो गया। SRC में 1 और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ये तो बोल रहे हैं भाई एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए, सॉरी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन सर इंडिपेंडेंट, लास्ट में इन्होंने बोल दिया भाई डायरेक्टर होगा तो भी काम चल जाएगा। मीटिंग सर लॉजिकल है 4, 1, 1, 2। और कोरम में इन्होंने बोला कोरम में यहां 1/3 है भैया, ऑडिट कमिटी में हायर ऑफ 1/3 और 2 मेंबर्स। एक सेकेंड, अच्छा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मैं यहां पे ना मेरे को ना यहां पे मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डाल देना चाहिए, राइट यहां पे अपने को ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डाल देना चाहिए तो अपने को और मजा आ जाएगा। सर सुनो उसके बाद की बात करता हूं, उसके आगे की बात बताता हूं मैं आपको। एडिशनल पॉइंट्स हो गए सर, अपन आ जाते हैं क्वार्टरली कंप्लाइंसेस में। अब मेरी बात सुनो सर, अब ये एग्जाम में पिछले अटेम्प्ट में 4 मार्क का आया था, सुन लो अगर एग्जाम में भूले भटके MCQs में आ गया तो अच्छे खासे स्कोरिंग हो जाएंगे सर, प्लीज सुन लो। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टरली कंप्लाइंस, कुछ और कंप्लाइंस, एनुअल कंप्लाइंस और बस खत्म। क्वार्टरली कंप्लाइंस मतलब क्या सर? आपको हर क्वार्टर के एंड में एक लिमिटेड पीरियड के अंदर अगर ये चीज कर रहे हो तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सर जिस दिन आपका क्वार्टर खत्म होता है उसके 21 दिन के अंदर आपको एक रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपके नोट्स में 15 लिखा है तो उसको काटो और 21 दिन कर लो। मॉड्यूल में भी 21 दिन है लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट, मॉड्यूल में 15 दिन है लेकिन अमेंडमेंट में इन्होंने 21 डेज डाल दिया है। 21 डेज के अंदर सर आप एक रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाओगे इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। उसके अलावा सर आप 21 डेज के अंदर जैसे आप इन्वेंटरी का ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस डालते हो, वैसे ही आपके पास जो कंप्लेंट आए थे कितना क्वार्टर के शुरू में पेंडिंग था, कितना और आया, कितना आपने क्लियर किया और कितना क्लोजिंग बचा, ये आप एक कंप्लेंट का, इन्वेस्टर कंप्लेंट का एक समरी बना के दोगे। उसके बाद सर उसके बाद 21 डेज के अंदर आपको ना स्टेटमेंट दिखा बताना पड़ेगा जिसमें होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न दोनों आप बता रहे हो। सर ये तो क्वार्टरली कंप्लाइंस तो आपको करना पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, लेकिन उसके अलावा लिस्टिंग अगर हो रही है ना आपकी कंपनी की तो लिस्टिंग की एक दिन पहले, और अगर आपका कैपिटल का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है जिसकी वजह से टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 2% से ज्यादा चेंज हुआ है तो आपको जिस दिन चेंज हुआ है ना उसके 10 दिन के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। ये एडिशनल पॉइंट है सर। बेसिकली क्या, अगर आप तो वैसे तो 21 दिन के अंदर बताओगे क्वार्टर खत्म होने के बाद, लेकिन उसके अलावा भी कभी अगर आप लिस्टिंग करवा रहे हो तो उसके एक दिन पहले बता देना, और अगर आपका 2% से ज्यादा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में चेंज हो रहा है तो उसके 10 दिन के अंदर बता देना। तो सर 21 दिन के अंदर 3 कंप्लाइंस है, पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कंप्लेंट से रिलेटेड और उसके बाद ऐसा। सर आपको ऐसा नहीं याद करना है, आपको वैसा वर्षा याद करना है। मतलब क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आपको रिपोर्ट फाइल करनी है कितने दिन में करोगे? 21 डेज। मतलब आप यूं समझ लो क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद 21 दिन तक बहुत काम रहता है। उसके अलावा सर सबसे बड़ा काम तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट, ये भी आपको फाइल करना पड़ता है 45 डेज के अंदर। सर लास्ट क्वार्टर छोड़ दो, उसके अलावा हर क्वार्टर में 45 डेज के अंदर फाइल करना होता है। और सर अगर आपने कोई IPO लिया या फर्दर पब्लिक ऑफर लिया या किसी भी तरीके से पैसे रेज किए हैं ना, तो जब तक आपका पैसा यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक आपको एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। उसमें आप दो चीजें दिखा रहे हो सर, डिविएशन और वेरिएशन। क्या दिखा रहे हो सर? डिविएशन और वेरिएशन। डिविएशन क्या सर? इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, जो काम के लिए आपने पैसे उठाए थे उसके अलावा किसी और काम में लगा रहे हो तो वो बताओ। और अगर आपने जिस काम के लिए उठाए थे उसमें अगर आपने बोला था 100 करोड़ लगेगा, अब आप 100 करोड़ की जगह 80 करोड़ या 120 करोड़ लगा रहे हो तो वो वेरिएशन है, वो बताओ। इंडिकेटिंग डिविएशन, इंडिकेटिंग वेरिएशन कैटेगरी वाइज। मतलब केपेक्स के लिए हमने कितना उठाया था, केपेक्स में कितना डिविएशन हुआ है। मार्केटिंग के लिए हमने कितना उठाया था, 100 करोड़ मार्केटिंग अभी 120 करोड़ का हो गया। इस तरह का आप रिपोर्टिंग करोगे। कब तक करोगे सर? जब तक आपका प्रोसीड्स यूटिलाइज नहीं हो जाता, ठीक है। सर अब प्रायर इंटीमेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, कुछ चीजें आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। सर ये जो इंटीमेशन है ना ये डिपेंड करता है बोर्ड की मीटिंग पे। अगर आप बोर्ड की मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हो तो इतने दिन पहले इंटीमेट कर देना। दो चीज ध्यान रखना कि कहां वर्किंग डेज लिखा है, कहां वर्किंग डेज नहीं लिखा है, और दूसरा डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ एक्चुअल बोर्ड मीटिंग, ये दोनों एक्सक्लूड करना है सर। इसमें MCQ का एक क्वेश्चन है, आज ही सॉल्व करके सोना। आज ही सेबी के वैसे ही दो क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है, आज ही सॉल्व करके सोना। सुनो सर क्या लिखा है, अगर आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो और बोर्ड मीटिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, बाईबैक, पैसे, आप शेयर्स का बाईबैक कर रहे हो या फिर सर आप क्या कर रहे हो,
मैं ये बच्चा नहीं हूं, मैं ये सब करता हूँ, ये मेरा पेन अचानक से ये करने लग जाता है। प्रपोजल फॉर बाई बैक, अगर आप बाई बैक करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप वॉलंटरी डी लिस्टिंग करना चाहते हो, अपने शेयर्स को डी लिस्ट करवाना चाहते हो, या फिर सर आप फर्दर पैसे रेज करना चाहते हो एफपीओ से, एडीआर से, जीडीआर से, या आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, या इशुएंस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर, या डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। मतलब सर देखो, ये तो डिविडेंड और बोनस अच्छी बात हो गई, बाई बैक भी अच्छी बात हो गई, वॉलंटरी डी लिस्टिंग मतलब या तो बंद करना चाहते हो, या धंधा बढ़ाना चाहते हो, या फिर सर धंधा बढ़ाना चाहते हो, मतलब सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो या अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना, तो आपको दो वर्किंग डेज पहले, दो वर्किंग डेज फ्रॉम द बिफोर द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। और सर अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हो ना, तो कम से कम 5 दिन पहले करो, 5 वर्किंग डे नहीं है दोस्त, 5 दिन है। उसके बाद सर अगर आप कोई रिकॉर्ड डेट, अगर कोई रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट किसका होता है सर, बोनस का होता है, डिविडेंड का होता है, बाईबैक का होता है, जो रिकॉर्ड डेट अगर डिसाइड कर रहे हो ना, तो रिकॉर्ड डेट के पहले 7 दिन पहले, 7 वर्किंग डेज पहले, 7 वर्किंग डेज प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट आपको इंटीमेट करना पड़ेगा द नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट एंड द पर्पस ऑफ द रिकॉर्ड डेट। क्यों है रिकॉर्ड डेट? इट कुड बी फॉर डिविडेंड, इट कुड बी बोनस इशू, इट कुड बी फॉर कन्वर्जन और मर्जर डीमर्जर और एनी अदर पर्पस, इसके लिए भी रिकॉर्ड डेट होता है। एंड 11 वर्किंग डेज किस लिए है सर? अगर आपका ऑल्टरेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और राइट ऑफ द होल्डर, मतलब क्या सर, अगर आप अगर क्लास ए क्लास बी है, अगर किसी का वोटिंग राइट कुछ और अगर ऑल्टर कर रहे हो, तो आपको 11 वर्किंग डेज के अंदर, या फिर सर ऑल्टरेशन इन द डेट ऑन विच इंटरेस्ट ऑफ द रिडीमेबल अमाउंट ऑफ डिबेंचर विल बी पेबल, जो इंटरेस्ट पे करना है उसका डेट अगर चेंज कर रहे हो, तो भी सर आपको क्या करना पड़ेगा, 11 वर्किंग डे पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। और दोस्तों दिमाग में एक चीज लिख लो, 11 वर्किंग डे में डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग नहीं काउंट होगा। तो अगर बोर्ड मीटिंग का डेट दिया ना, तो उसके पहले 11 दिन और एक और दिन छोड़ देना, क्योंकि आपको डेट ऑफ इंटीमेशन नहीं इंक्लूड करना है। एनुअल कंप्लायंसेस सर, साल के क्या कंप्लायंसेस है? आसान है, 3 कंप्लायंसेस सर। एक तो सबसे पहले स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे ऑडिटेड है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऑडिटेड फाइल करना पड़ता है सर। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो, उसके साथ ऑडिटर का रिपोर्ट अटैच करो। लेकिन अगर ऑडिटर के रिपोर्ट में उसने कोई क्वालिफिकेशन दे रखा है या फिर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है, तो एक स्टेटमेंट अटैच करो, स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी अटैच करो। और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज के अंदर अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर दो। उसके अलावा सर, आपकी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है ना, कौन सा एनुअल रिपोर्ट सर? वो एनुअल रिपोर्ट जो आप शेयर होल्डर्स को भेजते हो एनुअल जनरल मीटिंग के पहले। तो सर जैसे ही आप शेयर होल्डर को भेजना शुरू करते हो ना, उसके पहले एनुअल जनरल एनुअल रिपोर्ट जो है एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को दे दो, एक वेबसाइट में पब्लिश कर दो। सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन वेबसाइट या कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंड टू शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द नोटिस नॉट लेटर देन द डे ऑन विच कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू शेयर होल्डर, जिस दिन भेजना शुरू करते हो कम से कम उस दिन तो कर देना। उसके अलावा सर, अगर आपके एनुअल रिपोर्ट जो आपने भेज दिया है स्टॉक एक्सचेंज को, उसमें अगर कोई चेंज हुआ है, तो जब आपका एजीएम खत्म हो जाता है ना, उसके 48 आवर्स के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देना कि क्या क्या चेंज हुआ है और रीजंस क्या है चेंजेस का। ये दोनों 48 आवर्स एजीएम खत्म होने के बाद इंटीमेट कर देना। सर कंप्लायंस ऑफिसर्स के रोल आप पढ़ लो और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप पढ़ लो, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सर समझा क्या? आपको समझ आया? सर इतना ही है, इतना ही है। एग्जाम में 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन मार्क कर रखे हो, तो अभी अभी प्लीज़ वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, अगर आपने मार्क कर रखा है तो। ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू।